ये प्रतिपक्ष ने करने का कारण ये है कि हमारा जो प्योर जो पवित्र तीर्थ है हमारा समय शिखर जी, उसके ऊपर झारखंड सरकार ने इस तीर्थ को एक पर्यटक क्षेत्र बनाना करके निश्चय किया है। ये हमें कभी मंजूर नहीं है। जो क्षेत्र में 20-20 तीर्थंकर जहाँ पे मोक्ष प्राप्त किए हैं वो हमारा सबसे पवित्र स्थान है। जैसे वाराणसी है हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए मक्का है, इसी तरह जैनों के लिए सबसे पवित्र स्थान समेत शिखर जी है। इस स्थान को कोई भी हालत में पर्यटक क्षेत्र घोषित न करें, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं नंगे पैर दर्शन करने के लिए 20-20 किलोमीटर चल के, और उस स्थिति में वहाँ पे जो जिन्होंने भी वहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया है उन तीर्थों के प्रति अपनी आस्था बताने के लिए जाते हैं। इस स्थिति में झारखंड सरकार से मैं निवेदन करता हूं, उसको पर्यटक क्षेत्र से निकाल के उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करें, ये हमारी मांग है। परसों आके माइनॉरिटी चेयरमैन के पास भी आपके मनवी लेटर गए थे कि इसे बंद करो करके, तो माइनॉरिटी चेयरमैन उसके बारे में क्या है? माइनॉरिटी चेयरमैन ने भी बोला है, केंद्र सरकार के पर्यटक मंत्री ने भी कृष्णा रेड्डी ने भी बोला है कि ये पवित्र क्षेत्र है, इसको पर्यटक क्षेत्र नहीं बनने देंगे। कृष्णा रेड्डी जो हमारे पर्यटक मंत्री हैं, जय जिनेन्द्र, आज फ्रीडम पार्क में 10,000 के करीब पब्लिक है हमारी, और हम सब एक है जैन समाज वाले। हमको तीर्थ स्थान हमारा प्राण है, प्राणों से भी प्यारा है। हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन तीर्थ स्थान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुए, और हम लोग चाहते हैं कि सभी एक मिलके जल्दी से जल्दी ये ज्ञापन हमारा मोदी जी को, सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। उस पवित्र क्षेत्र को हम कभी भी अपवित्र नहीं करने देंगे, किसी अपवित्र आदमी को छूने नहीं देंगे। हमारा ये जैन सकल जैन समाज का नारा है। आज हम 10,000 लोग इकट्ठे हुए इसीलिए कि हमारे पूरे भारत में और भारत से बाहर भी सभी लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा जैन तीर्थ स्थान पावापुरी, पालीताना, जो भी तीर्थ स्थान है वो पवित्र रहे, पवित्र था, पवित्र रहेगा और पवित्र ही रहेगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। शिखर जी की जय, शिखर जी की जय। शिखर जी हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। धन्यवाद, धन्यवाद। जो रैली होने वाली थी जैन समाज की बेंगलोर में, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार यहाँ पर रैली न करते हुए सीधा इस क्षेत्र फ्रीडम पार्क में सबको आह्वान किया गया, और ये जो हमारा प्रतिपट्टन है वो समेत शिखर जी एवं पालीतना दोनों परम पवित्र गिरिराज है, जैन समाज की प्रमुख आस्था का केंद्र है, और वहाँ पर सरकार जो पर्यटन स्थान बनाने जा रही है उसका हम पूरे संपूर्ण भारत के जैन समाज की ओर से विरोध करते हैं। और जो नोटिफिकेशन झारखंड सरकार ने दिया है पर्यटन स्थल बनाने के लिए, वो पर्यटन स्थल अगर घोषित हो जाता है तो वहाँ पर इंडस्ट्री का आगमन होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आएगी, इको टूरिज्म भी आएगा, वहाँ पर होटल है, रिसोर्ट, नॉनवेज का वगैरह भी प्रावधान वहाँ पर प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। उस संभावनाओं को रोकने के लिए जैन समाज, समस्त जैन समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और जोर जोर से इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार तक ये ज्ञापन देना चाहते हैं। झारखंड सरकार से भी निवेदन है कि अपना नोटिफिकेशन वापस ले, और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपने भी अगर जारी किया है तो वो संपूर्ण रूप से ये होली प्लेस है, ये परम पवित्र स्थान है, ऐसा घोषित करे, और बार बार 2-5 साल में हमारे को ऐसी रैलियों का आयोजन न करना पड़े, परम पवित्र स्थान घोषित करके स्थायी रूप से इसको, दोनों गिरिराज को संपूर्ण पवित्र है और जैन समाज के लिए ये है, ये कोई अभी का नहीं है, पूर्व काल से, बहुत अनंत काल से ये जैन समाज के हक में है, और यहाँ पर 20-20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है। ऐसी परम पवित्र भूमि और पालीतना शाश्वत तीर्थ पूरे विश्व में अगर 15 कर्म भूमि है।